हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुगाड़ फॉर यू। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपने नए कैमरे की अनबॉक्सिंग। अब जब व्लॉग बना ही रहा था तो चलो सोचा क्यों नहीं एक न्यू कैमरा ले लिया जाए, क्योंकि गोप्रो से इंडोर उतनी अच्छी तस्वीरें आती नहीं थी। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उसका हैंड्स ऑन रिव्यू भी किया जाएगा, क्या उसके कैसा फुटेज है। फिलहाल मेरे पास सिर्फ किट लेंस है, मैंने साथ में कोई दूसरा प्राइम लेंस या कुछ और अभी ख़रीदा नहीं है। तो पहले किट लेंस को यूज़ करें कुछ दिन, देखा जाए, फिर उसके बाद दूसरा लेंस भी लिया जाएगा। आइए देखते हैं कैमरे को। और ये है हमारा कैनन M50 मार्क टू व्लॉगर किट के साथ, जिसमें साथ में उन्होंने एक ये देखिए कैनन M50 मार्क टू कैमरा दिया है और एक ये ट्राइपॉड स्टैंड जिसमें कि ब्लूटूथ रिमोट भी है वो दिया है, और ये एक ये माइक दिया है, डायरेक्शनल माइक है ये कैनन का। ये पूरा जो सेट है मिला के मुझे पड़ा 62,000 रुपीस का, और उनसे पूछने पे उन्होंने बताया कि अगर मुझे सिर्फ कैमरा लेना है तो वो पड़ेगा मुझे 54,000 का, और अलग से ये जो ट्राइपॉड है और ये माइक है इसका काफ़ी दाम है, पर किट के साथ ये एक्स्ट्रा मुझे सिर्फ 8,000 रुपीस का पड़ा। साथ में मैंने ये मेमोरी कार्ड भी लिया है, पर ये किट में नहीं है, इसके लिए मैंने अलग से पे किया। और ये मैंने कैनन इमेज स्क्वायर से ही लिया, ये कोलकाता में एक्रोपोलिस मॉल में है, मैंने वहाँ से लिया इसे, और शॉप काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे सब लेंस और सब कुछ लगा के कैमरा चला के मतलब हैंड्स ऑन टेस्ट करके देखने दिया, क्योंकि सब कैमरा वहाँ पे अवेलेबल थे, तो आराम से मैंने देख समझ के ठोक पीट के लिया ये कैमरा। और चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा ये कैमरा, और आगे से जो भी मेरा व्लॉग आएगा एटलीस्ट इनडोर वो इसी कैमरे से रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैमरे की अनबॉक्सिंग की। सबसे पहले देखते हैं इसका स्टीरियो माइक्रोफोन। ये है आपका कैनन स्टीरियो माइक्रोफोन DME100, और देखते हैं कैसा है ये। कुछ मैनुअल, ये समझिए डेड कैट, विंड स्क्रीन, विंड मफ जो बोलिए इसको, वो भी दिया है इन्होंने, और ये है एक डायरेक्शनल माइक जो कैमरे के ऊपर में फिट हो जाएगा आराम से। इसको ये देखिए, ये आपका कैनन का ही है, इसको अभी साइड में रखता हूँ मैं दोनों को। और ये है HG100 TBR ट्राइपॉड कैनन का। इसकी एक खासियत है कि इसमें आपको ट्राइपॉड के साथ एक ब्लूटूथ रिमोट भी मिलेगा, ये देखिए ऐसे ही रखने का है, छोटा सा ही है हैंड में व्लॉगिंग करने के लिए पकड़ के, अच्छा है। और देखते हैं क्या है, ये देखिए ये असल चीज़ ब्लूटूथ कंट्रोलर है कैमरा का, इसको आप ऑटो फोकस, वीडियो ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन भी है आपका, ये शायद अभी अच्छा ये पेयर होने की कोशिश कर रहा है, चलिए ठीक है इसको बाद में पेयर किया जाएगा। और एक चीज़ देखिए, इसको आराम से आप यहाँ पे ऐसे करके माउंट कर लिए, ये जाके फिट हो गया, जब भी आपको यूज़ करना आराम से इसको ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अब आते हैं असल चीज़, कैनन M50 EOS M50 मार्क टू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे EF M15-45 IS STM किट, मतलब साथ में इसका जो किट लेंस है वो 15mm टू 45mm का है, IS माने इमेज स्टेबलाइज लेंस है, ये इंटरनल स्टेबलाइजेशन है कुछ लेंस में, और STM जो स्टेपर मोटर है, मतलब काफ़ी साइलेंट और काफ़ी फास्ट मोटर है इसमें जो ऑटो फोकस के लिए। और ये जो कैमरा है ये आपका 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, 24.1 मेगापिक्सल सीमॉस सेंसर है इसमें, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, और जो इसका सेंसर वो APS-C है, मतलब जो फुल फ्रेम कैमरा होता है उससे थोड़ा छोटा रहता है, मतलब छोटा सेंसर रहता है, APS-C क्रॉप सेंसर बोलते हैं इसको, जो मिड लेवल कैमरा में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि सोनी की काफ़ी सारे A सीरीज A6461
हंड्रेड जो सीरीज़ के कैमरा है, 6000 सीरीज़ के उसमें यूज़ होता है, और ये आपका जून 2021 का मैन्युफैक्चर्ड है, बस यही है। आइए इसको खोल के देखते हैं। ये हमारा कुछ मैनुअल है, रजिस्टर्ड नॉट अवेल 2 ईयर्स वारंटी इस पर लिखा हुआ है, और एक कुछ इमेज एकेडमी से रिलेटेड और कुछ, और ये मेन इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैमरे का। ये है हमारा मेन कैमरा, इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी। ये है स्ट्रैप, ये चार्जर का वायर है, ये आपका चार्जर है, और ये कैमरे की बैटरी, कैनन का ये 875 mAh की बैटरी है, और ये जो मॉडल है LPE12 बैटरी है, ये इसको भी लगा के देखेंगे। अच्छा, और ये हमारा किट लेंस है कैमरे का, आइए देखते हैं। ये हमारा कैनन M50 Mark II, ये देखिए काफ़ी हैंडी सा कैमरा है, छोटा सा एकदम, लाइट वेट भी है, और यहाँ पे आप EFM सीरीज से कोई भी लेंस लगा सकते हैं, EFS भी लगा सकते हैं अगर आपके पास अडेप्टर है तो, आसानी से अवेलेबल है। यहाँ पे LED है, ये देखिए आप कैमरे का फ्लैश भी है अवेलेबल है इस कैमरा में, ऊपर में फ्लैश लगाने के लिए या हेडफोन ये सब लगाने के लिए जैक है, और यही है। आइए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अच्छा, मैंने अभी लेंस नहीं लगाया, एक सेकेंड। तो ये देखते हैं पहले इसका किट लेंस, ये है हमारा ये आप देखिए 15-45 mm का इमेज स्टेबलाइजर लेंस STM मोटर के साथ, आइए इसको लगा के देखते हैं। बस क्लिक की आवाज़ आई और ये लग गया। ये देखिए ये है लेंस, कैमरा का फ्रंट व्यू। एक और बढ़िया चीज़ है कि इसमें आपका व्यू फाइंडर भी है, डायरेक्शन टू रोटेट द लेंस टू इनेबल शूटिंग। अभी ये लेंस बंद है, इसको आपको ओपन करने के लिए ऐसा करना होता है, देखिए ये ऐसे हुआ और ये हो गया 15 mm के साथ। अभी ये बोल रहा है कि इसमें SD कार्ड नहीं है, पर आप देखिए अभी नो SD कार्ड की वार्निंग आ रही है। चलिए इसमें SD कार्ड लगा के देखेंगे बाद में ये कैसा काम करता है और इसका रिव्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये थी कैनन M50 Mark II की अनबॉक्सिंग,
और हम लोग ने बेसिक कैमरे के अनबॉक्स करके देखा है, पर इसके डिटेल्स, सेटिंग्स, सारे बटन्स की फंक्शनैलिटी ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं करता हूँ काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता। पर फिलहाल जो मैंने अभी तक देखा, टेस्ट करके देखा, तो काफ़ी अच्छा है। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं किट लेंस से काफ़ी अच्छी है। ये मैं अभी उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और साथ में जो ऊपर में मैंने एक जो इसके साथ कैनन के साथ एक माइक्रोफोन दिया था डायरेक्शनल, मैं वो लगा के रखा हूँ। पर फिलहाल मैंने टेस्ट किया था तो ज़्यादा फर्क नहीं है इस माइक में और इसके इंटरनल माइक में। तो अगर आप काफ़ी बेटर अगर ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रोड का माइक्रोफोन ले सकते हैं। पर हाँ, जो ट्राइपॉड दिया वो काफ़ी काम का है, और उसके साथ जो ये उसका छोटा सा रिमोट है जो कि आपका जाके इसमें भी लग जाता है, ट्राइपॉड में जाके वो फिक्स हो जाता है। अगर आप हैंड में पकड़े हुए ट्राइपॉड को तो आराम से इस कंट्रोलर से उसको वीडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बस यही है, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके रियल टाइम वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स के साथ, और आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग सेटिंग्स के साथ, क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या मुझे बेस्ट लगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा।